हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दुआ करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। सो आज की वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए जो हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि यार आपके ऐसे ठीक है, आज थोड़ा चीट मिल खा लिया हूँ आप कैसे निकालें। सो हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा, कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। ऐप्स निकालना सिंपल सी चीज़ है। हमारी बॉडी के ऊपर एक लेयर होता है, बस उस लेयर को हटाना है और आपके ऐप्स विजिबिलिटी हो जाएगी। सो आज कुछ एक्सरसाइजेज और कुछ टिप्स आपको बताऊंगा जिसे परफॉर्म कर आप अपने ऐप्स को विजिबल कर सकते हो। और सच कह रहा हूँ, फैट लॉस करना जितना इजी है ना कंपेयर टू मसल बिल्डिंग, उससे आसान चीज़, फैट लॉस से आसान चीज़ ऐप्स निकालने से इजी चीज़ आपको मसल बिल्डिंग भी नहीं है। सो वीडियो के एंड तक देखना, हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। नहीं चाहता कोई भी मेरी वीडियो आप मिस करो। और इंस्टाग्राम पे हो तो भाई को ज़रूर सपोर्ट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहली चीज़, आपको ऐप्स निकालने के लिए आपका बॉडी फैट परसेंटेज लो होना चाहिए। अब कितना बॉडी फैट परसेंटेज, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जस्ट लाइक मी, मैं 12-13% में मेरा ऐप्स विजिबल हो जाता है। किसी किसी लोग के 11-10% में बॉडी फैट में आपका ऐप्स विजिबल होगा। तो हर किसी का बॉडी पर डिपेंड करता है और कितना साल से आप ट्रेनिंग कर रहे हो, मसल मैच्योरिटी कैसी है। क्योंकि मैं पास्ट टाइम में मैंने ऐप्स को बहुत ही ज़्यादा मतलब ड्रास्टिकली ट्रेन किया। लाइक डेली का मैं 500-600 क्रंचेस करता था। वो नहीं आपको करना है जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो मैंने पास्ट में किया है। सो पहली चीज़ मैंने बता दिया। दूसरी चीज़, आपको एक लो बॉडी फैट परसेंटेज रहने के लिए आपको एक कैलोरी डिफिसिट डाइट में रहना होगा। अपने मेंटेनेंस कैलोरी से 300-400 कैलोरी कम खाओ और आप अपने ऐप्स को अचीव कर लोगे। और किस तरह से कैलोरी कैलकुलेट करते हैं, हर एक चीज़ मैंने डिटेल में बताया हो। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, उसे जाके देखो, खुद से डाइट भी बनाने सीख जाओगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नंबर 3, डाइट ट्रेनिंग एंड फ्रिक्वेंसी। अभी जो मैं एक्सरसाइजेज बताऊँगा, आपको पहली चीज़ अपना वेट ट्रेनिंग पे फोकस रखना है, दूसरा कार्डियो, और तीसरी चीज़ जो मैं अभी आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगा उस पर फोकस करना है। और ट्रस्ट मी, यू विल अचीव योर 6-पैक एब्स। तो चलते हैं और हर एक्सरसाइज में क्या किस तरह से परफॉर्म करना है, कितना रेस्ट लेना, हर एक चीज़ बताऊँगा। लेट्स गो। सो हमारी पहली एक्सरसाइज होने वाली है डबल क्रंचेस, जो कि हमारे लोअर एब्स और अपर एब्स दोनों को ट्रेन करेगा। ये एक्सरसाइज जितना भी कुछ बताऊंगा आपको, वो आप अपने जिम में भी परफॉर्म कर सकते हो, अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो। सो सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी होगी डबल क्रंचेस। इसके हम लोग लेंगे 4 सेट 15 रेप्स। परफॉर्म करके दिखाता हूँ। सो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है साइड क्रंचेस, ऑब्लिक्स क्रंचेस, सुपर सेट विद साइड प्लैंक्स। कोशिश करना प्लैंक्स लेने की 1-1.5 मिनट की, और क्रंचेस हम लोग करेंगे 4 सेट 12-15 रेप्स। परफॉर्म करके दिखाता हूँ। सो हमें बैर पुश स्ट्रेट रखनी है, हाथ इधर, और क्रंचेस करते वक्त इधर आपका हाथ आएगा, ना कि इधर, लाइक दिस। सेकिए, देन एक चीज, जब आप पहले दोनों साइड क्रंचेस करोगे उसके बाद आप साइड प्लैंक्स लोगे, तब आपका ये एक सेट कंप्लीट होगा। ये नहीं कि आप पहले क्रंचेस मारे फिर प्लैंक्स ले, नहीं, दोनों साइड आप क्रंचेस लो उसके बाद आप प्लैंक्स लो दोनों साइड। सो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है लेग राइजेस सुपर सेट विद फ्लटर किक। देखो, सुपर सेट करने का मोटिव ये है कि आप जल्दी एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे विद इंटेंसिटी, ठीक है। इसके हम लोग लेंगे 4 सेट 15 रेप्स, 20 reps भी जा सकते हो, it depends on you. Let's go. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let know you are. Make sure जब भी exercise आप perform करते हो, जब भी crunches करते हो, ब्रीथ आउट जितना हो सके, उससे आप ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगा। सो हमारी लास्ट और फोर्थ एक्सरसाइज होने वाली है, जो कि हमारे अपर, लोअर एंड ऑब्लिक्स एंड कोर
चारों मसल पार्ट को ट्रेन करेगी। वो होने वाली है अपडोनल एयर बाइक सुपर सेट विथ प्लैंक्स। कोर को अच्छे से ट्रेन करो, जस्ट बिकॉज मैं अपने स्क्वाट्स डेडलिफ्ट 150 केजी का डेडलिफ्ट और 120 केजी का जब भी स्क्वाट्स मारता हूँ ना विदाउट बेल्ट, बिकॉज मेरा कोर स्ट्रांग है, उसकी वजह से मेरा लोअर बैक में इंजरी की चांसेस कम होती है। इसीलिए प्लैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा करो, जिससे आपका कोर स्ट्रांग होगा तभी आपके एब्स अच्छे दिखेंगे। सो चलिए परफॉर्म करके दिखाता हूँ। इसके भी हम लोग चार सेट लेंगे, 12 to 15 रेप्स, 20 रेप्स भी जा सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कितना कलेजा है। मेक श्योर प्लैंक्स करते वक्त आपका हिप स्ट्रेट रहेगा, नीचे नहीं रहेगा ना ऊपर रहेगा, स्ट्रेट बॉडी सीधा, सर आप सीधा रखो या नीचे रखो। अगर आपका इस तरफ नज़ारा अच्छा है, बीच पे कर रहे हो तो आगे देखो, बहुत नज़ारा अच्छा मिलेगा, नहीं तो सर नीचे रखो, स्ट्रेट। लेट्स गो। सो ये रही मेरी फुल डिटेल एब्स वर्कआउट वीडियो, जो कि मैं खुद परफॉर्म करता हूँ अपने एब्स डे में। सो आप भी अपने वर्कआउट में ये ज़रूर इंक्लूड करना एक्सरसाइजेस को। और हाँ, वीक में 3 दिन ट्रेन करो अपने एब्स को, हर अल्टरनेट डेज। एंड डेली एब्स मारने से एब्स नहीं आते, डेली एब्स मारने से आपका ये इतना बड़ा पेट लेके घूम रहे हो कम नहीं होगा। जो चीज़ों को बोला उसे फॉलो करो, एक लो बॉडी फैट परसेंटेज में रहो, कैलोरी डेफिसिट डाइट लो, एंड यू विल अचीव योर सिक्स पैक एब्स। और मुझसे अच्छे मिलेंगे यार, मेरे तो है ही नहीं है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट वीडियो में। तब तक इंस्टाग्राम पे हो यार, सपोर्ट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक दुआ में याद रखना, पीस।